हेलो एवरीवन, सो आज हम मंथली रीडिंग कर रहे हैं एंजल कार्ड से। तो एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल का क्या संदेश है और एंजल के का जो मैसेज है सितंबर 2023 के लिए वो क्या है। सिर्फ एंजल्स के मैसेज हैं, इसलिए सिर्फ एंजल्स कार्ड ही लेना है मुझे आपके लिए। और जो प्रेडिक्शन है सितंबर 2023 के लिए वो ऑलरेडी मैंने कर दी है, दो दिन पहले कर दी है और वो अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एंड एक चीज़ है कि जो मैसेज है वो बिल्कुल भी जनरल है और जो रेजोनेट करे उसे रखिए, रेजोनेट ना करे उसे जाने दें। सभी जेंडर्स के लिए न्यू टॉपिक्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर डे एक टॉपिक पे चैनल पे एक टॉपिक पे रीडिंग आती है। तो लेट्स बिगिन विद कार्ड्स, एंजल कार्ड। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ मिल सकता है, क्या चीज़ें हैं सितंबर 2023 में आपके लिए, वो एंजल कार्ड से हम पता करेंगे। एंजल क्या बताना चाहते हैं, अब हम शुरू करेंगे कि क्या होता है आपके साथ, क्या कुछ मिल सकता है आपको सितंबर 2023 में। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट कार्ड। देखिए, बी असर्टिव, यहाँ पे एंजल द्वारा बोला जा रहा है, पहला कार्ड ही है बी असर्टिव। बी असर्टिव यानी कि आपको निश्चय करना होगा, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई जॉब अगर आपको इच्छा है चेंज करने के लिए, तो आपको बिल्कुल निश्चय करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी काम को तुरंत छोड़ दें या किसी काम को तुरंत कर लें, उसके पहले आपको काफ़ी सारे चीज़ों पे अपना जो है रिसर्च करना होगा, चीज़ों को देखना होगा, तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप किसी रिलेशनशिप को भी नहीं अचानक से छोड़ सकते हैं, ना आप निकल सकते हैं और ना आप ऐसा कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी का ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको किसी चीज़ को करने से पहले निश्चय करना होगा, बिल्कुल असर्टिव रहना होगा आपको। ये पहला मैसेज है, ये गाइडेंस भी है आपके लिए, अचानक से कोई काम ना करें सितंबर 2023 में। सो और देखते हैं क्या कुछ है। इफ यू बिलीव, अगर आपको ईश्वर में विश्वास है तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, आपका काम बनेगा। जिस काम में भी आप लगे हुए हैं, जिस काम को भी आप करना चाहते हैं, उसमें आप लगे रहें, अपने आप पे विश्वास रखें। अगर आपको अपने मन में विश्वास है, अपने लिए किसी के प्रति विश्वास है, तो आप बिल्कुल भी वो काम करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना ही आपके लिए जो सफलता की है चाबी है। तो आप अपने आप पे विश्वास रखें, ये एंजल का कहना है। अगर अपने आप पे बिलीव करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए एंजल्स के। लेट्स सी और देखते हैं क्या कुछ है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो भगवान ईश्वर आपके साथ है। आपको इंडिकेशन मिलेगा, आपको मुझे लगता है कि ड्रीम में या आपको राह चलते कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी, कोई नंबर बार बार दिखेगा, 11-11 दिखेगा, जिससे ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्रॉब्लमेटिक स्थिति में पड़े हुए हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में पड़े हुए हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं निकल पाएंगे, तो उनकी चिंता ना करें। प्रॉब्लम तो कोई भी चीज़ की हो सकती है, प्यार की, पैसों की, फैमिलीज प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको चिंता नहीं करना है, अपने फ्लो में रहें, अपना काम करें। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है एंजल का, बिलीव इन एंजल्स, अपने गॉड पे विश्वास रखें। गॉड के संदेश जो होते हैं एंजल्स के द्वारा भी कभी कभी आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं और क्या कुछ है आपके लिए। ट्रस्ट, देखिए यहाँ पे एक चीज, बिलीव वाली और ट्रस्ट वाली मैसेजेस ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे इफ यू बिलीव का भी कार्ड है, ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट रखना होगा। ओवरऑल मुझे ये रीडिंग सिर्फ आपके ट्रस्ट पे जाती हुई दिख रही है अभी तक, क्योंकि असर्टिव तो है ही, निश्चय करना है आपको, बिलीव करना है अपने आप पे, चिंता नहीं करना है, अपने आप पे और अपने भगवान पे ट्रस्ट करें। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अप्स डाउन चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप कायम है भी है, तो वहाँ पर आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा। आपके मिरिकल हो सकते हैं, आपके लाइफ में मिरिकल हो सकते हैं सितंबर में। अपने आप पे ट्रस्ट रखें और ईश्वर पे भी ट्रस्ट रखें। लोगों पे भी थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी पुराने रिश्तों से
बिल्कुल भी आप डर गए हैं और ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं। नए रिलेशनशिप के लिए भी आप नए लोगों से आप ट्रस्ट रख सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है सितंबर 2023 के लिए। लेट्स सी, कॉम्प्रोमाइज रीयूनियन के लिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं सितंबर में, जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा या नहीं, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, उनकी बातों को भी ध्यान रखना होगा, बैलेंस बिछाना होगा रिश्तों में, समझौता करना होगा, तभी रीयूनियन हो सकता है। सिर्फ अपनी चीज़ को अगर आप मान के बैठेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ अपनी चीज़ें चाहिए, मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, अपने विशेष पूरे करने हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एंजल का कहना है कि रिश्तों में बैलेंस बिठाने के लिए अगर यूनियन चाहते हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ का हो सकता है ये अब अपने आप सोच सकते हैं। अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। ए ईयर फ्रॉम नाउ सितंबर में कुछ ऐसी चीज़ का शुरुआत हो सकती है आपके लाइफ में जो एक साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। वो चीज़ सितंबर में ही शुरू होगी आपकी। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस या काम शुरू करें, तो अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका फ़ायदा एक साल के अंदर दिखने लगेगा। अगर कोई जॉब चेंज करते हैं या कोई नया जॉब पकड़ते हैं लेते हैं तो वहाँ प्रमोशंस भी एक साल के अंदर होने लगेंगे। अगर आपका एंगेजमेंट होता है या एंगेजमेंट की बात चलती है तो एक साल के अंदर शादी भी हो जाएगी, ये कार्ड यही कह रहा है। बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ है आज। लेट्स सी क्या कुछ है और एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको। लुक फॉर ए साइन, बिल्कुल भी आपको साइन की तरफ ध्यान देना होगा। गॉड के द्वारा जो आपको दिया जाए, इंडिकेशन दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको देखना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही इस रीडिंग में कहा है कि अपने ड्रीम्स में राह चलते फेदर्स, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। कोई भी रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अगर आपको सपने में कुछ नज़र आ रहा है, राह चलते कुछ नज़र आ रहा है, कुछ फेदर्स पंख नज़र आ रहे हैं, बटरफ्लाइज नज़र आ रहे हैं, या कोई रिपीटेड नंबर जैसे कि 1111333 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ईश्वर आपके साथ है और आपका काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, रिपीटेड नंबर मुझे लगता है कि आप लोग को, कुछ लोगों को आजकल नजर आएंगे सितंबर में। लेट्स सी, इट्स अप टू यू, कोई भी फैसला लेना है आप पे। देखिए, आप अच्छा या बुरा फैसला कोई भी ले सकते हैं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आप पे है, आप रुकिए मत। लेकिन जांच परख के, देख परख के, निश्चय करके, यहाँ पे ये कार्ड कनेक्ट हो रहा है, निश्चय करके आपको जाना होगा। कोई काम भी शुरू करते हैं, जॉब, करियर, मनी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो वर्क है आप करते हैं, वहाँ भी आप ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए अपनी बुद्धि से काम लें, अपने इंटेलिजेंस से काम लें, अपने इंट्यूशन से काम लें, तभी कोई काम करें। सारी चीज़ें आप पे हैं। और देखते हैं एंजल आपको क्या संदेश देना चाहते हैं सितंबर के लिए। रोमांस आ रहा है, बहुत रोमांस। जो लोग बिल्कुल भी फन नहीं था लाइफ में, ऐसी स्थिति थी कि आप बिल्कुल भी ऊब चुके थे, बोरिंग लाइफ हो चुकी थी, एंड आप सिंगल थे, सिंगल हैं, तो रोमांस आ रहा है आपके लाइफ में। ज़रूरत है अपने ट्यूशन से लोगों को पहचानने की या शुरुआत करने की, तो रोमांस आ रहा है, भरपूर रोमांस आ रहा है। सिंगल लोगों के लिए तो बिल्कुल जो सूखा पड़ा था, बिल्कुल भी कुछ मज़ा नहीं था, कोई लाइफ में कुछ फन नहीं था, तो रोमांस आ रहा है। सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है सितंबर 2023, क्योंकि यहाँ पे रोमांस कार्ड, भरपूर रोमांस है आपके लिए, तो इंट्यूशन को बरकरार रखिए अपना। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। एंजल के संदेश बहुत ही परफेक्ट आ रहे हैं। अबंडेंस भी आ रही, लीजिए अबंडेंस भी आ रही, पैसे आ रहे हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं उन लोगों को जो मनी के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको पैसे आ रहे हैं, कुछ लोग घर खरीदने का प्लान बना सकते हैं, फ्लैट लेने का प्लान बना सकते हैं, कार, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, कुछ भी खरीदने, जो पहले आप खरीद नहीं सके वो खरीदने का प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको अबंडेंस भी आ रही है, पैसे तो आ ही रहे हैं। तो ज़रूरत के कुछ अच्छी चीज़ें आप जो बहुत समय से, लंबे समय से लेना चाह रहे थे, वो आपको सितंबर में पूरे होने के चांसेस हैं।
बहुत कुछ है। रिकवरी, जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनकी स्वास्थ्य समस्या बरकरार है, अगस्त में भी बरकरार रही है, या आपके फैमिली में किसी की तबीयत बिगड़ी हुई है, तो सितंबर में धीरे धीरे वहाँ रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग की जो मनी क्राइसिस थी, मनी क्राइसिस हुए थे, जैसा कि अबंडेंस मुझे यहाँ बता रहा है कि पैसे आ रहे हैं, जिन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी पैसों के मामले में, वहाँ भी रिकवरी हो रही है, डैमेज कंट्रोल होगा आपका, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना होगा, योगा करना होगा, वॉक लें, अगर ये भी नहीं कर सकते तो सुबह वॉक लें, लंबी सांस लें, ब्रीथ लें, और कुछ मिनी वेकेशंस पे जा सकते हैं जहाँ आपकी हीलिंग हो सकती है हेल्थ की। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए मुझे लगता है कि वैकेशन बहुत अच्छा है, वैकेशन पे जा सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में जहाँ कि मुझे प्रेम की यहाँ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक शादी की निकली थी टाइमिंग व एयर फ्रॉम नाउ, और कुछ बिजनेस का था, एक साल के अंदर में कुछ फ़ायदा देखने लगा। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि एंजल बहुत जल्दी, कुछ लोगों को एक साल के अंदर में ये चीज़ होगी, तो कुछ लोग को विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी कि आने वाले 5 हफ्तों में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि किसी का रियूनियन, किसी को नया लव मिल सकता है, किसी को बिजनेस में तुरंत फ़ायदा हो सकता है। तो ये दोनों कार्ड ही एक चीज़ बताते हैं कि किसी को एक साल के अंदर तो किसी को 5 हफ्ते के अंदर में फ़ायदा दिखने लगेगा, ये चीज़ मुझे साफ नज़र आ रही है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या कुछ है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, अगर कुछ जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के बारे में प्लीज़ एक चीज़ आप जान लीजिए कि वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगा, कलेक्ट करना होगा, क्या है कैसे, बिना आप जाने समझे किसी अदर चीज़ में चेंज मत लाइएगा। चेंज लाने से पहले आपको बिल्कुल देखिए फर्स्ट कट, फिर यहाँ करें असर्टिव, निश्चय करना होगा, और आपको पूरा अगर विश्वास है तो आप यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं। आप कोई भी काम करें, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप कोई भी लव से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई काम हो, वहाँ का इन्फॉर्मेशन, उस व्यक्ति के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके ही उस चीज़ को आगे बढ़िए, ये चीज़ मुझे साफ यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या कुछ है। एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे सितंबर 2023 के लिए। बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस भी आ रहे हैं। लेट्स सी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कुछ लोगों से मदद ले सकते हैं, जहाँ आपका काम फंसा हुआ है तो कुछ प्रभावी लोगों से मदद ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मदद मिल सकती है। एक बार आप ये चीज़ ट्राई करके देखें और शायद हो जाए, क्योंकि ये मुझे सिचुएशन ऐसी लग रही है कुछ लोगों को के साथ कि आप लोग काफ़ी अकेले हैं, कुछ लोग अकेले हैं और लोगों की मदद चाहते हैं, बिना मदद के काम नहीं हो सकता है। तो कुछ जिस पे आप बिलीव करते हैं उनसे बात करें, एटलीस्ट बात करें, अगर कोई काम नहीं भी करा तो एटलीस्ट बात करें, वहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ या सोल्यूशन मिल सकता है। अगर फुल फोर्स में सपोर्ट ना भी मिले तो वहाँ से कुछ आइडिया सपोर्ट मिल सकता है आपको। लेट्स सी और क्या कुछ है, देखते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, तो सितंबर 2023 एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन लेके आपके लिए आ रहा है, और आपको बिलीव करना होगा ईश्वर पे, अपने आप पे, तभी आपका काम बन सकेगा। मेहनत अपनी जारी रखें, उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है, क्योंकि फाइनल कार्ड है। अब मैं कार्ड नहीं लूँगा, ये फाइनल कार्ड है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि ये जो चेंज है आपकी लाइफ को बिल्कुल भी बदल के रख देगा। अगर आप अभाव में जी रहे हैं, बिना प्यार के जी रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं किसी के साथ यूनिटी चाह रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य समस्या, ये कार्ड पूरी तरह से आज का निचोड़ है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जो आपके लाइफ में आपको खुश करेगा, आपको अबंडेंस देगा, लव देगा, रोमांस देगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ है आपको निश्चय करने की,
आपको ईश्वर पे अपने आप पे बिलीव करने की चिंता नहीं करना है, ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। तो इसी के साथ एंजल मैसेज सितंबर 2023 की रीडिंग खत्म होती है। फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।